हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपने देखा है हमारे लास्ट वीडियोस के ज़्यादातर हमने मशीनरीज के ऊपर वीडियोस बनाया है। आपने देखा होगा कि कैसे मशीनरी प्रिंट्स करती है, और अभी आज हम आपको दिखाएंगे कि इसका एक्चुअल स्टिकरिंग का रिजल्ट क्या है। तो आज हमारे पास चार स्टिकर्स है, जैसे कि आप देख सकते हो फुल कलरिंग्स में स्टिकर है। कोई भी ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट या एनी सिंगल कलर्स में, हमारे पास हर एक का कलरिंग स्टिकर है। ये आप देख सकते हो, आज हम ये ब्लैक टी शर्ट के ऊपर करने वाले हैं। एक ये वाली हो गई, इसके बाद ये हम करेंगे व्हाइट टी शर्ट के ऊपर, और जो ये डिज़ाइंस है ये दोनों हम करने वाले हैं ब्लैक टी शर्ट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब देख सकते हो हमारा टेम्परेचर आ चुका है हीट प्रेस का। हम ये 150 डिग्री के ऊपर 15 सेकेंड हम इसको हीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये मैंने कॉटन की टी शर्ट ले ली है। ये कोई भी फैब्रिक, कोई भी गारमेंट के ऊपर हो जाएगा, बस खाली कपड़ा होना चाहिए वो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको अभी हमने रख दिया है एक हीट प्रेस मशीन में, इसको हम सेट कर देंगे एक बार परफेक्टली। अब इसको मैं एक बार आयन कर दूंगा, इसलिए पूरा स्ट्रेटनिंग हो जाए। आप देख सकते हो अभी पूरा फ्लैट हो चुका है, और अभी मैं प्रिंट ले रहा हूँ। ये मैंने प्रिंट ली हुई है इसके लिए स्पेशल। अभी ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर हमें सेंटर्स मालूम पड़ जाए कि सेंटर कहाँ है टी शर्ट का, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है सेंटर लेने में। इसलिए हमने ये थोड़ा जुगाड़ करके ये चीज़ बनाई हुई है, इससे हमें आसानी से हमें सेंटर मिल जाता है टी शर्ट का। ये आप देख सकते हो पूरा सेंटर आ चुका है। आप सबको मालूम है जैसे कि हमारे हर एक वीडियो रो रहते हैं, ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा लेकिन पूरा रो टू रो वीडियो रहेगा। ऐसा कोई कट या एडिट किया हुआ ये है ही नहीं हमारे कोई भी वीडियो। ये आप देख सकते हो। अभी इसके ऊपर हम नेक लेबल भी कर देंगे, जो बेसिकली इसमें ही हमने प्रिंट किया हुआ है। आप देख सकते हो ये हमारे नेक लोगोज है ये सारे। आप देख सकते हो इसको अभी मैंने सेंटर में ले लिया है। अब इसको सेम टेम्परेचर के ऊपर ही हम इसको हीट प्रेस देंगे। अभी आप देख सकते हो ये पूरी टी शर्ट ब्रांड के नाम के साथ रेडी हो चुकी है। अभी इसको हम साइड में रख देंगे जब तक हम दूसरी टी शर्ट प्रेस कर देते, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर में इसको हमको आने देना है, क्योंकि ये कोल्ड पील है। अभी हमने इसको रख दिया साइड में, अब अभी हम दूसरी टी शर्ट ले लेंगे। अभी ये वाली मैं इमेज कर रहा हूँ। हमने ले लिया सेंटर इसका। अभी
इसमें कलर्स की कोई भी लिमिट्स नहीं है कि आप इतने कलर में ही प्रिंट कर सकते हो इसका, आप अनलिमिटेड कलर्स आप जो भी सोच सकते हो इमेज उतने कलर्स आप प्रिंट कर सकते हो इसमें। और अभी मैं दो ही अभी टी शर्ट प्रिंट कर रहा हूँ क्योंकि अभी इतना लंबा वीडियो मेरे को भी खींचना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें अभी 5 मिनट के ऊपर चल रही है वीडियो। तो अभी मैं आपको ये दो ब्लैक एंड व्हाइट टी शर्ट्स अभी मैं दिखा देता हूँ, और बाकी जो जो टी शर्ट्स हैं जो मैंने आपको बताई वो मैं पूरा शॉर्ट क्लिप डाल दूंगा, इसलिए आपको भी पता चल जाए कि रिजल्ट क्या आया एक्चुअल में इसका। अभी ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब इसको हम पील कैसे करते हैं। इसको आराम से पील करना है अपने को, कोई जल्दी में पील नहीं करना है कि अपने की इमेज ही खराब हो जाए। आप देख सकते हो, और ये जो आप देख रहे हो ये पूरा एक्स्ट्रा पार्ट है जो गमिंग हुआ हुआ है, लेकिन ये कोई डैमेज ऐसा है नहीं कि निकला हुआ ऐसा कुछ। आप देख सकते हो पूरी की पूरी इमेज आराम से निकल चुकी है ये, आप डिटेल्स देख सकते हो। और मैं अभी आपको लोगो भी दिखा देता हूँ कैसे हम लोगो इसको भी निकालते हैं। अभी ये लोगो हो गया, इसको जस्ट आपको आराम से पील करना है, आप देख सकते हो। अभी ये पूरी टी शर्ट ब्रांडिंग के साथ रेडी हो चुकी है। अभी मैं आपको ब्लैक वाली टी शर्ट दिखा देता हूँ कि ब्लैक वाली टी शर्ट में रिजल्ट क्या है। हमने इसमें लोगो नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास ओनली ब्लैक लोगो है, हमारे पास अभी वाइट लोगो अवेलेबल नहीं है इसलिए। अभी ये थोड़ी गर्म है, इसको हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे एक बार। आप देख सकते हो पूरी इमेज प्रॉपर तरीके से निकली है, कुछ भी कोई भी एक पार्ट भी छूटा नहीं है। अब ये रिजल्ट देख सकते हो इसका। आप कलर्स देखिए, जो कलर्स आपको मैंने दिखाए थे स्टिकर्स में वही सेम कलर्स है, कोई भी उसमें कलर में 19-20 या ब्लैक हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो DTF के लिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दे रहा हूँ, आप हमें कॉल कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो, भले आपने कहीं से भी मशीन परचेज़ किया हो, आप कुछ भी आपको परेशानी हो रही हो, ठीक है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे रहा हूँ, भले आपने आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हम हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे आपको। और दूसरी चीज़, आपको DTF में छोटे मशीन से लेके बड़े मशीन कोई भी आपको परचेस करने में इंटरेस्ट हो तो आप हमें सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको कोई भी डेमो देखना हो या आपको फील करना हो ये प्रिंट्स कैसी लगती है, तो आप मैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं हमारा एड्रेस दे देता हूँ ऑफिस का। आप कभी भी 12 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक आप कभी भी विजिट कर सकते हो, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप कभी भी आ सकते हो। लेकिन कॉल करके एक बार आइएगा, इसमें हमें भी अच्छा रहे क्योंकि हम आपको प्रॉपर तरीके से हम गाइड दे सके और आपको प्रॉपर टाइम हम दे सके इसलिए। सो थैंक यू एवरीवन। अब जैसे आपने देखा है पूरा, तो होप करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लेके आया करेंगे। थैंक यू।